तो टेबल में दोबारा रिव्यू देंगे, लेकिन अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं हो रहा। करीम्स के कबाब, वो भी करीम्स के किचन में, वाह मज़ा आने वाला है। करीम्स, द फाइन डाइन करीम एट इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर। आज शुरुआत करेंगे किचन से, तो चलिए मेरे साथ। आज के हमारे होस्ट यहाँ पर हैं अशरफ भाई। अशरफ भाई ने हमें होस्ट किया है, किचन तक हमें लेकर आए, तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं इनकी मेकिंग। तो अशरफ भाई, आज आप हमें क्या क्या खिलवा रहे हैं? आज आपको इंशाल्लाह कबाब खिलवाते हैं, मटन के, करीम के कबाब, अल्टीमेट चिकन मलाई टिक्का वगैरह। आप चिकन मलाई टिक्का और ग्रेवी में आप खाना चाहेंगे तो जहांगीरी है हमारे पास, कढ़ाई चिकन है। तो जहांगीरी आपने नाम इसलिए रखा है कि थोड़ा मुगलई? जी हाँ बिल्कुल, टच के लिए पीछे से ही चला आ रहा है जो नाम, तो वही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। और आपको रोगनी नान खिलाएंगे बढ़िया इंशाल्लाह। बटर नान करेंगे, बहुत अच्छी है। बटर नान आप कह सकते हैं, मगर वो हमारी नज़र में रोगनी नान है। क्या है? रोगनी नान। रोगनी नान, यस। ये आपके भाई मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब, खास बात क्या है करीम के कबाब की? आप बिल्कुल मतलब भरोसे के साथ खा सकते हैं कि मटन के सीख कबाब है तो वो मटन ही है। मुझे कबाब दिखे हैं, टेबल तक का मैं वेट नहीं कर सकता। तो टेबल में दोबारा रिव्यू देंगे, लेकिन अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या बन रहा है हमारे लिए? चिकन मलाई टिक्का। चिकन मलाई टिक्का वो किधर है? वो भी यही बनेगा। अच्छा, यही बनेगा, कबाब हो जाए। ठीक है ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में अटक रहा हूँ। और अच्छा, अभी हाफ डन करके आपने रखा हुआ है? बिल्कुल। ठीक है ठीक, ये कढ़ाई चिकन तैयार हो रहा है। कढ़ाई चिकन, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, बिल्कुल थिकनेस काफ़ी है ग्रेवी की। जी हाँ, क्या बात है, देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में देखते हैं सर कैसा होता है। ज़रूर। और ये हमारी बटर नान। जी हाँ, और आपने नाम दिया इसको रोगनी नान। रोगनी नान, ये तिल डाले हैं, क्या बात है। आपने इसको इतनी शेप होगी और बड़ी होगी, थोड़ी और बड़ी होगी अभी, हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं इनके। क्या नाम है सर आपका? अरुण। अरुण बाहर आ गई है और इसका कलर बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा जब तक आपके टेबल तक जाएगी। क्या बात है, ये आप उसमें बटर लगा रहे हैं? प्योर घी, देसी घी और बटर दोनों चीज़ें मिक्स। ये तो सर गोल्डन हो रही है, कुछ सोना बन रहा है। अभी आप देखिएगा तो खाने के बाद ही सोना लगने लगेगा। अशरफ भाई, कुछ ऐसा है जो कहीं ना मिले, कुछ अनोखा, कुछ नया? भाई अभी हमने शुरुआत करी है कोयल करी की। कोयल करी यानी बटेर? बटेर, तो ये काफ़ी पॉपुलर है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। और ये पतले शूरबे में हम लोगों ने तैयार करी है, ग्रेवी वगैरह ये सब ये पतले शूरबे में, इसीलिए इसको करी का नाम दिया है। ज़रा हमारे व्यूअर्स को बटेर उठा के दिखाएंगे, इसकी गर्दन कितनी पतली है? मैं दिखा सकता हूँ, ये बटेर है साहब, ये गर्दन है जो हमने पकड़ी हुई है बिल्कुल पेंसिल की तरह। लोग ये कहते हैं कि यार ये रेस्टोरेंट वाले पता नहीं मीट कैसा यूज़ करते हैं, गोश्त कैसा यूज़ करते हैं, तो एक नज़र हम मार सकते हैं गोश्त कैसा है? हाँ बिल्कुल, आपको दिखा सकते हैं हम गोश्त।
ये मटन है, ये मटन है, ये नहारी का गोश है और यानी बोंग ही बोंग है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं पूरा सब रान का और बोंग गोश, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसी के अंदर। और इनका पिंकिशपन आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम नरम गोश होता है। और ये आपका कोरमे का गोश है, ये कोरमे का है जिसमें हमारी चापे हैं, चापे हैं, पुट है, है। इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसका चाप का जो पीस है, इसकी बोन से आपको पता लग जाएगा ये क्या है। मैं समझने की कोशिश करूंगा, ये बॉन मेरे हाथ से निकल के आ रही है, इसका क्या मतलब है, ये कितना सॉफ्ट और कितना गुलाबी और कितना नरम गोश्त कहलाता है। एक केजी जो है किचन के मामले में बहुत अच्छा मीट माना जाता है, 8 to 10 kg वो बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, नई चीज़ आज मैंने सीखी। दो जागरी चिकन, एक फ्राई चिकन, एक बादाम पसंदा, दो मटन कोरमा, एक जागरी कोरमा, एक चिकन करी, सब टेबल का निकाल दिए सर। सर 12 नंबर टेबल का भी बोल दीजिए। हां बोल दिए सर, 12 नंबर बोल दिया, 12 नंबर टेबल का ही बोल दिया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अशरफ भाई, किचन आपने हमें दिखाया, खाना मेरा लग गया, चलिए थैंक यू। और एक बार अभी खाना खा के फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूं। थैंक यू। खाना आ गया, पूरा ज़बरदस्त स्प्रेड लगा हुआ है, ये रहे सीख कबाब, अभी अंदर भी ट्राई कर रहे थे लेकिन टेबल पे आने के बाद दोबारा ट्राई करने हैं। जूसी कबाब्स करीम के, और उसके बाद है हमारा अफ़गानी टिक्का, मलाई टिक्का, मलाई में लखपत, अफ़गानी मलाई टिक्का रूई की तरह टूट रहा है, बहुत टेंडर है, ऐसे टूट गया, अल्टीमेट। अगला आइटम है अफ़गानी मलाई टिक्का, ऑसम, बहुत शानदार स्टार्टर भी इतना अच्छा है, मेन कोर्स की तरफ जाते हुए थोड़ा सा आप कतराएंगे। सर और कबाब ले आए क्या? मैंने बोला था ना मेरी टेबल पर सबसे ज़्यादा आपको कबाब्स दिखेंगे, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कबाब्स आर अल्टीमेट। नाउ लेट्स ट्राई चिकन जहांगीरी, पीसेस हमने इनके देख लिए थे, क्या बात है भाई, टांग निकल आई, ज़रूरी है। ओहो पैसा वसूल, पैसा वसूल खाना है भाई, पैसा वसूल। अब ये है हमारा अगला आइटम, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, एक बड़ा सा पीस चिकन का और ये करी, पुनः ऐसे लेना, इसको ट्राई करते हैं। Look at the softness of meat. Wow. थोड़ा बढ़ाने वाला बनाया है ताकि थोड़ा ज्यादा मजा आए। बिस्मिल्लाह। पैसा वसूल आइटम्स हैं। अल्टीमेट फाइन डाइन दिल्ली के अंदर करीम्स यानी मुगलई खाना, यहाँ के अलावा बहुत मुश्किल है। गाड़ी आराम से वहाँ पार्क करिए, अंदर आइए, बेहतरीन एम्बियंस, जेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। वीडियो एंड करने से पहले सारा मुझे ख़त्म करना है, उसके बाद फिर आपसे एक ज़रूरी बात बता दें। खाना बहुत ज़बरदस्त था, अब हाथ धोने की बारी है। फिंगर बोल सर, आपका क्या नाम है? मिंजर आलम। मिंजर आलम, मिंजर आलम जी। अच्छा, मिंजर आलम भाई हमारे लिए लेकर आए हैं, और अब हाथ धोते धोते एक ज़रूरी बात कहता हूँ, जो मैंने आपसे बोली थी कि एक ज़रूरी बात बताऊँगा, वो ज़रूरी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।